नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन कुमार वर्मा, इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, एक्सिम बिजनेस एडवाइजर, यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बिजनेस के लिए एक सही टाइम होता है। हमने बहुत बार सुना होगा, आपके भी चित परिचित लोगों से आपने पूछा होगा कि यार मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, ये धंधा व्यापार करना चाहता हूं, तो वो आपको कहते हैं यार ये सही टाइम नहीं है मार्केट में एंटर होने का। जी हां दोस्तों, मैं आज उसी एक्सपोर्ट के मार्केट के लिए आपसे बात करूंगा कि ये एकदम से सही समय है। और ये समय कब से शुरू होगा आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो लोग नए हैं, जो लोग एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या जो लोग एग्जिस्टिंग एक्सपोर्टर्स हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं कुछ मोस्ट प्रिफर्ड कमोडिटी बताऊंगा जिनके लिए एक भूचाल सा आएगा आने वाले समय के अंदर। जी हां दोस्तों, जैसा हमें पता है कि ये महामारी अब शुरू है, इस समय पूरे विश्व के अंदर उथल पुथल मची हुई है। इस समय पूरा विश्व एक भयंकर त्रासदी से ग्रस्त है और इसके बाद में एक और भयंकर बीमारी आने वाली है जिसका नाम है आर्थिक मंदी। जी हां दोस्तों, यह बीमारी इंडिया में भी आएगी और यह बीमारी बाकी देशों में भी आएगी, लेकिन इंडिया के मुकाबले ये बाकी देशों को ज्यादा प्रभावित करेगी, खास करके वो कंट्रीज जो डेवलप्ड हैं, जो विकसित देश हैं, उन देशों के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ आएगी। रीजन ये है कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो काफी हाई होता है और उसके मुकाबले इंडिया के अंदर जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो एक स्टैंडर्डाइज पोर्शन पे होता है। अब यहां पे एक जो सबसे बड़ा हर्डल आने वाला है वो ये है कि ऑलरेडी जिस तरीके से हमारे पास में भी कुछ कॉल्स आ रहे हैं, हमारे पास में कुछ रिपोर्ट्स आ रही है कि यूएसए वगैरह जो है, तो वहां पे जैसे खाने पीने की जो सामग्री है वो खत्म होने को आई है, लोगों के घर पे भी राशन नहीं है, बहुत मुश्किल से अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। और जिस तरीके से हमें पता है कि इस समय ये जो महामारी शुरू है इसका जनक कहीं ना कहीं पे चाइना है और इसीलिए बाकी के जो देश हैं वो उसे अब बायकॉट करने में लगे हुए हैं। तो इसके बाद में जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी जो बनेगी, जो सबसे बेस्ट टाइमिंग बनेगा, वो बनेगा इंडिया के लिए। तो इसलिए सावधान, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हर वो एक्सपोर्टर, हर वो स्टार्टअप, हर वो होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रीसेलर, एज ए मर्चेंट, एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए सर्विस प्रोवाइडर, आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको खुद को अब तैयार करने कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाला जो समय है वो एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट के भविष्य के लिए गोल्डन टाइम होगा। दोस्तों, अगर इस समय आपने खुद को बना लिया, इस समय अगर आपने खुद को स्थापित कर लिया, तो याद रखिए मेरे शब्द को, मार्क माय वर्ड्स, इससे बेहतर समय कोई नहीं आएगा। हर बिजनेस के अंदर एंटर करने के लिए एक राइट टाइम चाहिए और उसके साथ में चाहिए उस बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी। और एक्सपोर्ट का जो टाइम आएगा उसमें आप यकीन मानिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के हाथ में आएगी, क्योंकि इस समय पूरा विश्व जिस तरफ देख रहा है वो है भारत। सबसे रिलायबल जो दिख रहा है वो है भारत, सबसे ट्रांसपेरेंट जो दिख रहा है वो है भारत। तो आपको इस चीज के लिए भी गर्व होना चाहिए कि आप एक भारतीय हो, और यही गर्व, यही भारतीय होने का जो सिक्का है वो हमें आगे लेके जाएगा। मैं तो हमेशा से हमारे वीडियो में कहता हूं क्वालिटी मींस इंडिया, और यही जो क्वालिटी थिंग्स जो है, ये जो थिंग्स लोगों के दिमाग में घुसी हुई है, आपको पता है कि चाइना एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ी एक्सपोर्ट कंट्री है, लेकिन क्वालिटी के अंदर वो सबसे बड़ी नहीं है। सभी लोग चाइना को क्वालिटी के मामले में पीछे कर देते हैं, क्योंकि क्वालिटी मींस इंडिया। तो ये जो क्वालिटी मींस इंडिया जो हैशटैग है, ये आप लोगों को भी चलाना है अपने लिए, क्योंकि अगर यहां पे आप प्रयास कर लेते हो, जीवन में बहुत कम मौके होते हैं और उन मौकों को सबसे बड़ी बात होती है उन्हें समझना, और समझने के बाद में उनके पीछे प्रयास करना। क्योंकि सफलता कोई पेड़ पे लगा हुआ फल नहीं है कि आप गए और उसे तोड़ के खा लिया, और कई बार अंगूर खट्टे होते हैं अगर आपको कहानी याद हो तो। आपको प्रयास करना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए मैं बार बार, मैं आज ये वीडियो में मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि आप प्रयास कीजिए। मैं आपको वो कमोडिटीज भी बताऊंगा, कुछ कमोडिटीज जो मुझे लगता है, जो मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जिनके अंदर बूम आने वाला है एक्सपोर्ट के मार्केट में, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट यहां पे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं ये उनके लिए बेस्ट टाइम है।
अभी भी आप घर पे बैठे हो तो बैठे मत रहिए, खुद को एक्टिव रखिए। मैंने हमेशा यही प्रयास किया है कि आप खुद को एक्टिव बनाए रखो, आने वाले समय के अंदर आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो, अपने जीवन को एक नए आयाम दे सकते हो, एक नए लेवल के ऊपर आप लेके जा सकते हो दोस्तों। तो जिन लोगों के पास में अब तक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन्हें इस समय अपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स बनाने चाहिए। जिन लोगों के डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, अगर वो कैपेबल हैं तो उन्हें वेबसाइट बनानी चाहिए, अगर वेबसाइट नहीं बना सकते हैं तो अपना सोशल स्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। सोशल स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हैं वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप घर पे बैठ के आप खुद भी सोशल स्ट्रक्चर अपना तैयार कर सकते हो, क्योंकि ये समय खाली बैठने का नहीं है, ये समय बैठ के खुद के जीवन के ऊपर, खुद के टाइम के ऊपर रोने का नहीं है, ये समय है कुछ कर जाने का, कुछ कर गुजरने का। क्योंकि इसी समय का अगर सदुपयोग आपने कर लिया तो आपका आने वाला जो समय है वो बहुत बेहतरीन होगा दोस्तों। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में मैंने हमेशा आपको बताया कि आपके पास में एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल होनी चाहिए, अगर आपके पास में एक्सपोर्टर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल नहीं है तो ये आपको बनानी चाहिए। अगर आप किसी से भी ये बनवा सकते हो, बट जो लोग हमसे बनवाना चाहे, ऑन स्क्रीन आप नंबर देख रहे हो, ये ऑन स्क्रीन नंबर पे आपको कॉल करना है, अपने प्रोडक्ट किस प्रोडक्ट में आप डील करना चाहते हो, आपको एक कंसल्ट किया जाएगा हमारे एग्जीक्यूटिव के थ्रू, वो आपको पूरी डिटेल्स देगा। अगर आपको लगे कि हमसे करवाना है तो हमसे करवाओ, बाकी आप कहीं से भी करवाओ, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन खुद को तैयार कर लो। जिन लोगों के पास में डॉक्यूमेंट है, जो वेबसाइट बनाना चाहे, वो भी ऑन स्क्रीन नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास आपकी कैपेबिलिटी नहीं है, अभी फंड नहीं है वेबसाइट का, तो एटलीस्ट सोशल स्ट्रक्चर तो आप खुद भी तैयार कर सकते हो। आपको सिर्फ वो जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूं उसकी लिंक, उसके ऊपर जाइए, उस वीडियो को देखिए, उसमें किस तरीके से कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप सोशल स्ट्रक्चर आपको तैयार करना है वो एक बार आप देखिए और खुद के सोशल स्ट्रक्चर को तैयार कीजिए दोस्तों। और शुरू हो जाइए कल से एक्टिविटी के अंदर, बैनर बनाइए, खुद की इमेजेस बनाइए, पोस्ट कीजिए। ये समय मैं समझ रहा हूं, इस टाइम अगर आप बोलोगे कि सर ऐसी स्थिति चालू और हम पोस्ट करें, कोई इश्यू नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोगों के साथ में पोस्ट करो, आप खुद को तैयार करो। जिस तरीके से स्टॉक किया जाता है खुद की तैयारी के लिए, उसी तरीके से अभी इस टाइम पे अपना कंटेंट, इमेज, सब कुछ स्टॉक करो और अपना सोशल स्ट्रक्चर बनाओ। ये स्टॉक करो अपना सोशल स्ट्रक्चर वगैरह, और उसके बाद में जैसे ही लॉकडाउन एंड हो, फटाफट फटाफट एक्टिविटी शुरू कर दो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस समय अगर कोई आपके कॉन्टैक्ट में आए या फिर आप किसी के बिजनेस कॉन्टैक्ट में जाओ, लेकिन ये समय आप किसी के साथ में रिलेशनशिप बना सकते हो, आप बिजनेस रिलेशनशिप बना सकते हो, आप एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप बना सकते हो किसी के साथ में, आप इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज वो डील करेगा, लेकिन अगर आपने खुद को उस लेवल पर स्थापित किया तो आने वाले समय के अंदर वो आपसे जरूर डील करेगा दोस्तों। इसके लिए खुद को तैयार करो, मजबूती के साथ में आ गया हो दोस्तों। और जिन कमोडिटी की मैं आपको बात कर रहा था, आज आपको पता है फूड एंड एग्रीकल्चर, ये भारत पहले से ही कृषि प्रधान देश रहा है और भारत में हमेशा से ही फूड एंड एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो काफी मात्रा में एक्सपोर्ट होता है भारत का ऑलरेडी, और हम इसे और बढ़ा सकते हैं क्योंकि इसकी भयंकर डिमांड आने वाले समय में आने वाली है एक्सपोर्ट के लिए। उसके साथ में स्पाइसेज, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स, उसके साथ में ऐसी वो सारी चीजें जिनसे लाइफ को एनहांस किया जाए, उन सभी चीजों का एक बहुत बड़ा बूम इंटरनेशनल मार्केट में आपको दिखेगा। तो राइट प्रोडक्ट चूज कीजिए दोस्तों, राइट लॉबी चूज कीजिए और लग जाइए आज से ही इस काम के अंदर, क्योंकि अगर आप प्रयास नहीं करोगे तो सफलता खुद चल के नहीं आएगी। अपॉर्चुनिटी जो होती है, अवसर आपके द्वार पे आएगा, उस अवसर को आपको पहचानना है और उस अवसर को पहचानने के बाद में दृढ़ संकल्प के साथ में आपको उस पर काम करना है। जब आप उस अवसर के लिए काम करोगे तब सफलता मिलेगी, ना कि सफलता के लिए काम करोगे तब मिलेगी। आपको सारी चीजें स्टेप टू स्टेप समझना पड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बिजनेस है, इंटरनेशनल जो बिजनेस है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी कर सकते हो, हर वो आम इंसान कर सकता है, लेकिन
इसके लिए जरूरत है आपके दृढ़ संकल्प की, एक अच्छे बिजनेस स्ट्रक्चर की, एक अच्छे नॉलेज की। आपको सब चीजों का स्टेप टू स्टेप पता होना चाहिए और इसी के लिए हमने डेवलप की थी आप लोगों के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट डॉट कॉम वेबसाइट पर जाइए। घर पर बैठ के आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीख सकते हो। और जो लोग खुद की बिजनेस प्रोफाइल बनाना चाहें, जो लोग खुद के प्रोडक्ट्स को आगे ले जाना चाहें, उनके लिए हमने बनाई है clickexim.com। यकीन मानिए आने वाले टाइम के अंदर यही वेबसाइट आपको ट्रेंड करते हुए दिखेगी इंटरनेशनल बिजनेस के लिए, क्योंकि हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि भारत का हर वो बंदा जो जुड़ता है एक्सपोर्ट बिजनेस में, उसका प्रोडक्ट बिके और हम उसकी उसके प्रोडक्ट को सेल करने में उसकी सहायता करें। यहां पे अभी कुछ भी आपको कॉस्ट नहीं करनी है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जाइए, साइन अप कीजिए, अपने बिजनेस प्रोफाइल बनाइए और अपने प्रोडक्ट को अपलोड कीजिए। जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई स्किल के साथ में। लेकिन याद रखिए दोस्तों, मेरी बात को, पक्षी या परिंदा भी आसमान में तभी उड़ सकता है जब वो अपने पंख फैलाएगा और उन्हें हिलाएगा। उसमें ताकत है उड़ने की, लेकिन वो ताकत जब तक वो यूज नहीं करेगा उसे उसका कोई लाभ नहीं होगा। उसी तरीके से आप में भी वो ताकत है कि आप ये बिजनेस कर सकते हो, आप आगे जा सकते हो, आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हो, आप अपने जीवन का आयाम बदल सकते हो, लेकिन प्रयास आपको जरूर करने पड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।